आज के टाइम पे अगर किसी को ये पता चले कि उसका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है, वो अपने चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो आज के टाइम पे ये बात बेहद हैरान कर देने वाली है। आज ऐसी ही एक सैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह एक बड़े यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया है, और कैसे हैक कर लिया गया, क्या हुआ, और कैसे आप अपने चैनल को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, ये भी बताऊंगी। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए और पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बे स्मार्ट विद एस आर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो लेकर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच। आज के टाइम पे जहां लोग यूट्यूब पर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, बड़े बड़े सपने लेकर यूट्यूब के साथ जुड़ रहे हैं, वहीं एक सैड न्यूज़ भी आ रही है कि एक इंडियन यूट्यूबर का चैनल हैक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही हमारे यूट्यूबर हैं जिनका चैनल हैक हो चुका है। जाहिर सी बात है, ये एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर है, ना सिर्फ उन यूट्यूबर के लिए बल्कि हम सब के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अभिषेक भटनागर जी की, जिनके चार चैनल हैक हो चुके हैं, जो कि चारों के चारों एक बड़े चैनल थे और मोनेटाइज भी थे। फर्स्ट चैनल है उनका अभिषेक भटनागर, सेकेंड है सीएल एजुकेशन, दोनों ही हैक कर लिए गए हैं। इसके अलावा भी दो चैनल हैं उनके जो कि हैक कर लिए गए हैं। उनका एक फिफ्थ चैनल भी था जो कि मोनेटाइज नहीं था, उसे हैक नहीं किया गया है। रशियन हैकर्स के थ्रू इंडियन यूट्यूबर का चैनल हैक हो रहा है, जो कि सच में एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ है। इंडियन और बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि एक बहुत ही दुख की खबर है। उनके 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और उनका चैनल अचानक से हैक हुआ। हुआ क्या कि वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गए थे मार्केट, और जब वो घर लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि जो उनका फ़ोन था वो बिल्कुल भी फॉर्मेट हुआ पड़ा था, एकदम नया फ़ोन था हो गया था, ना ही उसमें कोई फ़ोटो व्हाट्सएप कोई डेटा नहीं था। और उसके बाद उन्हें यूट्यूब से मेल आई कि उनका जो चैनल है वो सस्पेंड कर दिया गया है। यूट्यूब जब मेल मिली कि उनका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, तो जैसे ही वो अपने चैनल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी जीमेल आईडी को तो ओपन कर ले रहे हैं, लेकिन वो अपना चैनल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पर उनका चैनल सर्च करोगे तो आपको उनका चैनल, उनकी वीडियो सब कुछ शो हो रही है, लेकिन जो चैनल का ऑनर है वो खुद अपने चैनल को एक्सेस ओपन नहीं कर पा रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो अपने चैनल को सिक्योर रखो और सेफ भी। अपनी चैनल आईडी किसी और को मत बताओ, और अपने चैनल की आईडी का पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करो। किसी अदर पर्सन के लैपटॉप या फ़ोन में आपको अपने में जे चैनल की आईडी ओपन नहीं करनी है। रशिया हैकर के थ्रू एक बड़े यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया जाना एक आम बात नहीं है। सोचिए, जब एक बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो सकता है तो सिक्योर तो हम भी नहीं है, इसलिए हमें अपनी सेफ्टी खुद बना के रखनी पड़ेगी। आप सभी से और यूट्यूब की पूरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अमित जी को पूरा सपोर्ट करिए। वो एक बड़े यूट्यूबर है, उनका अच्छा खासा चैनल है। अचानक से किसी के 4 चैनल हैक हो जाना बहुत ही अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये सच है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, जितना हो सके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चल सके, सपोर्ट करिए। एक बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो जाना कि अचानक से उसका चैनल हैक हो जाना, वो अपने चैनल को ओपन नहीं कर पा रहा है, एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली बात है। इंसानियत के नाते, एज ए यूट्यूबर के नाते, प्लीज़ अमित जी को सपोर्ट करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर किसी के पास ये बात पहुँच सके। अमित जी के चैनल पे अभी जो अपलोड्स हो रही हैं वो उनके अकॉर्डिंग, उनके थ्रू नहीं हो रही है, वो रशियन हैकर्स के थ्रू हो रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने अमित जी का एक वीडियो दे दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन को बताया है कि कैसे उनके साथ क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी। उनकी सारी बातों को अच्छे से सुनिए और समझिए, और प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।